इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ओकेएक्स हैकिंग की न्यूज को और इसके साथ में जो मार्केट के अंदर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं यूनिसेफ टोकन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करेंगे। साथ ही साथ हम इजीफाई नेटवर्क के बारे में भी बात करने वाले हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ ही साथ टेलीग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि जो क्रिप्टो की इंस्टेंट अपडेट होती है तो वो हम वहाँ पे शेयर करते हैं, तो उसका आप एडवांटेज ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो ग्रुप है उसके अंदर इजी फाइव से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे क्वीज गिवेज बहुत ही जल्दी हमारे ग्रुप में देखने को मिल सकते हैं, तो आप हमारे ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करके रखिए। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो इजी फाइव नेटवर्क से रिलेटेड तो आप वहाँ पर आके क्वेरीज कर सकते हैं और आपको तुरंत रिस्पॉन्स दिया जाएगा वहाँ पर। साथ ही साथ आप इजी फाइव जो प्रोजेक्ट है उसको विजिट कर सकते हैं, ये लायर टू डी फाइव प्रोजेक्ट है। आप सब लोगों को पता है गाइस, जो हैकिंग हुआ है उसका इश्यू के बारे में भी हम बात करेंगे। जो सेंट्रलाइज चीज़ें हैं वो सारी की सारी कोलैप्स हो रही हैं, लोग पूरी तरह से डीफाई में आ रहे हैं और इजी फाई नेटवर्क है, ये लायर टू डीफाई है जिसमें कि आपको एडवांस लेवल की चीज़ें मिल जाती है। जहाँ पे देखिए, आपको मैं और चीज़ें बता देता हूँ, माइक्रो लैंडिंग है, अंडर कोलेस्ट्रलाइज लोन आपको यहाँ पे मिल जाता है, क्रेडिट डेलीगेशंस आपको मिल जाते हैं, क्रेडिट स्वेप वगैरह भी मिल जाता है यहाँ पर आपको सारी चीज़ें। और साथ ही साथ इनकी जो एडवांटेज है उसके बारे में बात करें तो लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन, यहाँ पे डीपर लिक्विडिटी पूल, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। बाकी अमेजिंग यूआई है इनका, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अपग्रेड की हैं इन्होंने डीफाई में, तो आप इस प्रोजेक्ट को जरूर से विजिट कर सकते हैं। यील्ड फार्मिंग भी यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आपको इनके जो टोकन है उसको होल्ड करके आप यहाँ पे इजी टोकन अर्न कर सकते हैं। काफ़ी सारी इसकी चीज़ें हैं, मैं आने वाले वीडियोस के अंदर और कवर करूंगा। और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप डेफिनेटली हमारे ग्रुप में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो इजी फाई टोकन की वैल्यू अभी 1.25 है और सप्लाई देखेंगे तो बहुत ही कम है, तो आप इस पे नज़र रख सकते हैं और कैच कर सकते हैं इसको, मतलब अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहें तो डेफिनेटली आप इसमें नज़र रखिएगा। बाकी आपको मार्केट्स के अंदर देखेंगे तो बिटमार्क्स एक्सचेंज और यूनिसेफ पे लिस्टेड है। अभी हम न्यूज़ की बात करें तो ओकेएक्स जो एक्सचेंज मॉर्निंग से ही न्यूज आई थी जिसके बाद में मार्केट के अंदर एक सडन क्रेश आया था, जो कि सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आती कि जो ये न्यूज़ आती है वो यहाँ पे टॉप पे कैसे आती है। जो ये न्यूज़ आई, देखिए यहाँ पर ये न्यूज़ आई थी और मार्केट को इतना फ्लैश क्रेश हुआ। कुछ प्लानिंग के थ्रू भी होते हैं, कुछ इंसिडेंट रियल भी होते हैं, तो इसमें सियोरिटी नहीं है। बट जो ये ओकेएक्स हैक का इश्यू हुआ तो ये मतलब काफ़ी बड़ा न्यूज़ भी हो सकता है, क्योंकि ओकेएक्स एक काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है, इसका मार्केट पे इफेक्ट पड़ना चाहिए। और अगर ये सब कुछ सही नहीं होती, चीज़ें जल्दी रिकवर नहीं होती है, तो मार्केट के अंदर ये लेवल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए बुल रन के लिए, तो आप इस लेवल को जरूर से देखते रहना। ये लेवल टूटा नहीं और मार्केट गया नहीं, तो सबसे पहला सपोर्ट रहेगा 11,000 का, उसके बाद में आपको सीधा सपोर्ट मिलेगा 10,800 का, उसके बाद में सीधा 10,500 का। तो इसलिए इस पर कड़ी नज़र रखनी है। आप शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं अगर मार्केट 11,200 से नीचे आता है, तो जब तक 11,200 के ऊपर है बिटकॉइन फुल बुलिश है, ट्राई मत करना शॉर्ट करने की। आपको करना है तो 11,200 के अंडर में करना, जिससे कि आपको फ्लैश क्रेश में क्विक प्रॉफिट हो जाए, तो इस पर नज़र रखो। बाकी बिटकॉइन अभी फिलहाल के लिए बुलिश है, अगर ये ब्रेक नहीं करता तब तक बुलिश है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके बैठा है यहाँ पर, तो इसको आप जरूर से ध्यान रखिए। अभी न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर जो कस्टडियन जो कॉरपोरेट्स थे उनकी की के साथ कुछ एक ही पर्सन की के साथ कुछ लपड़ा हुआ है, जिस वजह से ये चीज़ें हुई है हैकिंग का। उसके साथ में जो मेन न्यूज़ है ओकेएक्स की, वो इससे ज़्यादा मैटर करती है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का इनके खिलाफ कुछ केस हुआ है। आप देखेंगे कि द चाइनीज गवर्नमेंट इज क्रैकिंग डाउन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग यूजिंग क्रिप्टो करेंसी फॉर टेलीग्राम फ्रॉड एंड सेंट्रलाइज एक्सचेंज आर इन वेरी डेंजरस स्टेट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को न्यूज़ दिखी थी, इसके बाद में यहाँ पर ये देखिए, बीजिंग रिपोर्टर यहाँ पर राइट्स वी चैट अकाउंट और सजेशन ऑन ओकेएक्स इन्वेस्टिगेशन में बी रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू भी हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। और आप लोगों ने देखा होगा कुकॉइन का भी पंगा चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, तो यहाँ पर जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है काफ़ी हाई रिस्क पे आ चुके हैं। आपको फंड नहीं रखना है सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, अगर आपके पास $1,000 है तो सिर्फ आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज में $200-$300 रखने हैं ट्रेड करने के लिए, बाकी किसी पे भरोसा नहीं करना। अगर बाइनेंस के साथ अगर इश्यू हो गया तो बहुत बड़ा पंगा हो सकता है, तो बाइनेंस पे भी ज़्यादा ना रखें। लोगों की पूरे जो हैकर्स हैं, जितने भी कंट्रीज़ के लोग जो
सरकारी एजेंसीज है उनकी नज़र बाइनेंस पे, क्योंकि बाइनेंस का काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है, तो उसको जरूर से कुछ न कुछ इश्यू पंगा हो सकता है, तो आप उससे अलर्ट रहिए। ज़्यादा फंड यहाँ पे नहीं रखना आपको बाइनेंस पे, प्रॉफिट लो और अपने वैलेट के अंदर रखो, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी न्यूज़ है, मार्केट के अंदर इफेक्ट पड़ सकता है, बट नज़र रखना आप, क्योंकि ये वापस से BTC पंप हो रहा है, तो अगर ये पंप हो जाता है तो बढ़िया बात है BTC के लिए, अदरवाइज इस सपोर्ट को लूज किया तो सब कुछ गया। तो इसलिए ये न्यूज़ होगी। इसके बाद में ये जो है इंसिडेंट, यहाँ पर देखिए ये न्यूज़ के अंदर ये कवर किया गया है कि जैसे ही OKX का न्यूज़ आया, जैसे हैकिंग वाला, तुरंत यूनि पे इफेक्ट पड़ा, किसी भी कॉइन से ज़्यादा यूनिसेप कॉइन पे इफेक्ट पड़ा। आप देखेंगे कि यूनिसेप कॉइन यहाँ पे पूरी तरह से डंप होने की कोशिश कर रहा था और इमीडिएटली यहाँ से पंप हो गया, क्योंकि अगर लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंज को छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ ट्रेड करने के लिए, और अभी फिलहाल के लिए नंबर 1 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में यूनिसेप एक्सचेंज है, तो लोग सब यूनिसेप पे आएंगे, यूनिसेप कॉइन के बारे में जानेंगे, तो वहाँ पे सियोरिटी है कि यूनिसेप कॉइन का प्राइस बढ़ेगा। और यूनिसेप कॉइन में बता दूँ, आज भी आपको कोई फर्जी कॉइन नहीं है, और आपके पोर्टफोलियो में चाहे आप कितना भी 10 यूनिसेप कॉइन भी रखो, बट बाय कर लो, ट्राई करो, डाउन के अंदर मिल जाए, $3 के आसपास मिल जाए, ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है डंप होने की, होगा तो भी $2.5 के आसपास आएगा, बट आप पार्ट में बाय करो। जैसे अभी है तो अभी आप मान लो $3 के आसपास बाय कर लो, फिर डाउन आए, जैसे जैसे डाउन आए तो उसको बाय करके लॉन्ग टर्म ले लो, 4-5 महीने के लिए भूल जाओ, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, सॉलिड प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज, आज OKX बहुत बड़ा एक्सचेंज है, आज वो हैक हुआ तो जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं चाहेंगे कि उसका फंड OKX पे रहे या सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे रहे, तो वो ट्रेड करने के लिए कहाँ पे आएंगे, इन्हीं एक्सचेंज पे आएंगे जो यूनिसेप की तरह। तो जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसका और मार्केट फोमो क्रिएट होगा, और वहाँ पे जाके अगर यूनिसेप पे वॉल्यूम बढ़ता है तो श्योरली है कि यूनिसेप टोकन का भी प्राइस बढ़ेगा। तो इसीलिए इस चीज़ को जरूर से ध्यान रखो और मॉनिटर कर लो पूरी तरह से अपने पोर्टफोलियो के अंदर, थोड़ा थोड़ा तो यूनिसेप टोकन को लेके रख लो, ठीक है। ये नहीं कि आप ये सोचो, उस दिन मैंने वीडियो बनाया था तो क्या हुआ, लोग 20x लिवरेज लेके उसको लॉन्ग कर दिया, कुछ देखा न देखा, कुछ भी नहीं देखा, मतलब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट पूरी तरह से डाउन हो रहा है, उसमें जाके लॉन्ग कर रहे हैं और वो भी 20x लिवरेज लेके, ऐसा काम मत करो, ऐसे मार्केट नहीं चलता। ऐसे तुम ये सोचो कि मैं एक दिन में अमीर बन जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, आप बन तो जाओगे, आपके पास मतलब $100 उसका 1000 बना लोगे, बट एक ही सेकेंड के अंदर 1000 से जीरो होते हुए टाइम नहीं लगेगा, तो ऐसे चीज़ें नहीं करना, आपको स्पॉट के अंदर ही बाय करना, और अगर ये $3 पे है, $1 पे भी आ जाए तो उसमें आपको टेंशन की बात नहीं, $1 में और बाय करना, जिससे कि आपका एक एवरेज बाय हो जाए, और उस टाइम अगर एकदम फोमो बनेगा तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं बाय करूंगा $3 के आसपास, मैंने थोड़ा सा बाय भी किया था कल 2.9 के आसपास, और यहाँ पर मेरा जो टारगेट रहने वाला, मैं 3-4 मंथ का टारगेट लेके चल रहा हूँ, $7-8 तो बिल्कुल इजीली देखने को मिल जाएगा, उसके बाद के टारगेट मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से देखे जाएंगे कि क्या चल रहा है मार्केट में। अगर जो डीफाई का फॉर्म बरकरार रहा और चीज़ें सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ऐसे इश्यू आते रहें, तो ये कॉइन अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया $8 को, फिर तो ये कॉइन $20-30 भी जा सकता है। तो इस पर पूरी तरह से नज़र रखो, थोड़ा सा पोर्टफोलियो में लेके रखो, जिससे कि आपको एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। सेंट्रलाइज चीज़ें हैं, अब जैसे वजीरेक्स भी हमने कुछ लोगों ने बाय कर रखा, तो उसको रखो यार, क्योंकि वजीरेक्स एक्सचेंज इंडिया का नंबर 1 एक्सचेंज है, और जो मार्केट के अंदर फॉल हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल कॉइन्स डंप हुए हैं, बहुत सारे कॉइन ऐसे हैं जो 50-60% डंप हो गए हैं विद इन 5 से 6 दिन में। इसीलिए आप उसको, जो कॉइन है अगर आपका डाउन हो गया है तो उसको होल्ड कर लो, 2-4 महीने और होल्ड करो, बाकी जो डाउन के अंदर कॉइन है उसको पिकअप करते रहो, पहला कॉइन आपका यही रहने वाला है, इसी को बाय करना, आप दूसरे कॉइनों का कुछ भरोसा नहीं, बाकी डीफाई का फॉर्म बरकरार रहने वाला, क्योंकि लोग जाएंगे कहाँ, आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज को छोड़ दोगे, मान लो आप OKX को छोड़ दोगे, जाओगे कहाँ, अगर आप एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज को छोड़ के दूसरे सेंट्रलाइज एक्सचेंज में तो जाने से रहे, क्योंकि वहाँ पे भी KYC के पंगे होते हैं, कई इश्यू होते हैं, हैकिंग का इश्यू हो गया, आपका फंड लॉक हो गया, आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो क्या करोगे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि आपको एक्सचेंज करना है तो यूनिसेप पे जाओगे और वहाँ से सिंपल सा एक्सचेंज कर लोगे, किसी को कुछ पता नहीं चलता और किसी भी तरह के आपके फंड का कंट्रोल पूरा आपके पास रहता है, इसीलिए ये चीज़ें आगे जाके आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो इसको बाय करते रहो, ये नहीं कि आपको $2 पे आएगा तो ही करूँगा, जैसे जैसे डाउन आए थोड़ा थोड़ा बाय कर लो, अगर ज़्यादा डाउन आ जाएगा तो और कर लेना, बाकी इसको धीरे धीरे बाय करते रहो। अभी ऐसा मत करो कि जैसे 2 में बाय किया, 3 में सेल कर दिया, 2.5 में सेल कर दिया, ऐसे मत करो, बाय करके उसको छोड़ दो, बाकी आपको जिसमें भी ट्रेड करना करो, मैं कोई सिग्नल नहीं देता हूँ, कॉइन का अभी बिल्कुल कम कर दिया, क्योंकि कॉइनों का
बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। जो सेंट्रलाइज कॉइन है वो कभी भी कितना भी डंप हो सकता है और रिकवर होना इम्पॉसिबल के बराबर हो जाता है। तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, यूनिसेफ पे नज़र रख लो पूरी और मार्केट पे भी नज़र रखो। ये लेवल को ब्रेक किया तो नीचे आएगा, डंप होगा, तब आप BTC को बाय कर सकते हैं। बाकी अभी फिलहाल के लिए BTC बुलिश है। थैंक यू सो मच, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है। वीडियो पसंद आता तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच।